जय हिंद दोस्तों, ये खोखा डेयरी है कुंजपुरा करनाल हरियाणा में पड़ता है। राकेश जी हैं। हमारे हिसाब से इन्होंने पंजाब हरियाणा में सबसे अधिक साहीवालों की बिकवाली की है, सबसे ज़्यादा खरीदार इन्हीं के यहाँ से हुई है। और गाय जो आज भी दिखा रहे हैं वो सारी 18 से 20 लीटर दूध वाली हैं और पहली दूसरी ब्यात की। तो सबसे पहले इन्होंने दिखाई है ये थारपारकर, अभी बछिया है, ये आई नहीं हुई है। और मुकाबले वाली गाय है, इसके अंग अंग को देखो आप, हर चीज कितनी सुंदर और जैसे सांचे में ढालकर बनाई गई हो। और हम एक वीडियो बनाने गए थे गुड़गांव में, तो वहाँ थारपारकर का वो जो घी थे वो 3500 रुपये किलो बेचते हैं और दूध भी 135 रुपये किलो। ऐसे लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो जानते हैं। तो राकेश जी ने पहले कभी ऐसी थारपारकर नहीं दिखाई और हजारों की गिनती में इन्होंने साहीवाल भेजी होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। कितना दूध दे देगी ये? अभी बच्ची है जी, 14 महीने की। ठीक है जी, अभी इसकी आई नहीं करवाई है, बाकी दूध का तो अभी क्या कह सकते हैं, जैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी कुछ, लेकिन हाँ माँ का इसका अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे बाप की है, अच्छी माँ की है। अच्छा, हाँ तो उस हिसाब से माँ बाप का, माँ का क्या रिकॉर्ड है? तो अच्छी है, माँ ने 14-15 लीटर दूध दिया है, तो इतनी तो उम्मीद इसको भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं इसकी माँ ने पहले ब्यात में दिया 12 लीटर दूध, दूसरी बार अब बच्चा दिया हुआ है, अब दे रही है 14-15। हाँ जी, ये पहली ब्यात की है? ये अभी अभी AI भी नहीं हुई इसकी, अभी ये अपनी माँ की पहली ब्यात। हाँ ये पहले ब्यात की है, तो अभी ये इसकी करवाई नहीं है। कब करवाओगे इसकी? AI जैसे हिट पे आएगी अभी करा देंगे। समय है? हाँ समय है, मतलब कि अब इस टाइम में होनी चाहिए। हाँ हो जाएगी, अभी एक बार आई थी तो कराई नहीं। हाँ। अब दोबारा जैसे हिट पे आएगी तो करा देंगे। शॉर्ट सीमन जो कितने का मिल जाता है? शॉर्टेड सीमन अलग अलग रेट है जी, जैसे ब्लू के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। शॉर्टेड सीमन 1000 रुपए का भी है, 5000 का भी है। अच्छा, हाँ वो बुलो के हिसाब से, उनके डिटेल के हिसाब से। हाँ जी, कितने दिन दूध दे देगी एक ब्यात में? दूध तो देखो, जो हमारे एरिया की गायें हैं, NDRI के एरिया की जो भी गायें हैं या आसपास की जो भी गायें हैं, लंबे समय तक दूध देती हैं। अच्छा, या दूध से खुद छोड़नी पड़ती है, ड्राई खुद करनी पड़ती है। ला दूसरी ले, ये साहिवाल की बच्ची है। हाँ जी, कितना समय? 11 महीने की बच्ची है जी। 11 महीने? हाँ जी। AI के लिए तैयार है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कितना समय लेगी? अभी टाइम ले लेगी जी, 3-4 महीने ले लेगी। इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? माँ का इसकी अच्छा रिकॉर्ड है जी, 17-18 लीटर का रिकॉर्ड है, बब्बर की ये खुद है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बच्ची है। अब देख ही रहे हो वीडियो में, जिसको नॉलेज है वो देखते ही बता देगा भाई हाँ वाकई में कोई चीज़ है। भाई रेट कहते कि आप पसंद करो, उसके बाद में आमने सामने रेट होगा, तो ज़्यादा फैलाव नहीं करना चाहते हैं। हम एक बात की पुष्टि करना चाहेंगे जी कि ज़्यादा लोग इनके पास क्यों आए, सबसे ज़्यादा इन्होंने कैसे बेची गाय। तो एक वीडियो हमने बनाई, 3,70,000 लोगों ने देखा इस वीडियो को, आप देख लो, हम क्लिपिंग दिखा रहे हैं। और उसके बाद भी ये दूसरी वीडियो पे आ जाओ, इसको भी 2,60,70,000 लोगों ने देखा, उसको 3,00,000 ने देखा था। अब ये तीसरी ले लो, ये भी 2.25 लाख के करीब है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं, हमने करनाल में वीडियो बहुत बनाई है, आप देख लो। और कोई ऐसा व्यापारी नहीं होगा जिसकी वीडियो लाख से ऊपर एक से अधिक गई हो, एक एक वाली होंगे सारे। पता क्या बात है जी, अब ये पशु हैं, ये कई बार क्या होता है, बीमार भी हो जाते हैं, सांस का दन है जी, अपने पास ठीक है, दूसरी जगह जाके बीमार हो जाते हैं, या अपने पास ही आके बीमार हो गया, उलाने भी आते हैं जी, सारी चीज़ें वो दूर भी करने पड़ते हैं जी, बहुत से दूर भी नहीं हो पाते। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जी इसमें। अब जैसे किसी का उलाना आ गया, अगर हम दूर कर सकते हैं तो उसको दूर करते हैं, जिसको दूर नहीं कर सकते उसका क्या करें जी, कुछ भी नहीं कर सकते। तो पशु है जी, ये तो सांस का धंधा, देखो कहीं जाके अच्छा है, कहीं जाके खुश है, कहीं जाके कुछ नहीं है। तो अभी मेरे पास ही खड़ी हैं 3 गायें खड़ी हैं, एक का बच्चा मर गया, 75,000 की लेके आया था, बच्चा मर गया, दूध से सूख गई। अब किसको दें जी बताओ? आगे AI करवा दी है, आगे कंसीव होगी, आगे ब्यात पे आएगी, पूरा 1 साल का वेट है जी, पूरे 1 साल वेट करेंगे तब जाके बिकेगी।
ये तो सारी चीजें हैं जी, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी ये तो है नहीं, इसमें सारा का सारा प्रॉफिट 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 है, लॉस भी है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं भाई पता नहीं इसमें तो कितनी कमाई है, क्या है कमाई है, नुकसान भी है। ये जी साहिवाल दिखाइए, जी ये गिर क्रॉस में है जी, हाँ गिर क्रॉस में जी, कौन सी बात में है? ये दूसरे भी आते हैं, इसके से सुंदर और भी दिखाओगे? सारी सुंदर दिखाएंगे जी गायें। इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। कितने नहीं, गायें जितनी आएंगी जी, किसी भी गाय का कोई मुकाबला नहीं है, दूध वाली है कम से कम 20 लीटर दूध की गायें जी। ये? हाँ जी, तो कब तक ये आएगी? अभी अभी ले जाएगी 2 4 दिन और। ये जितने पीछे जो जितनी सारी बच्चियां खड़ी हुई हाँ हैं जी, तो ये क्या निकली है? उतनी तो गाय नहीं है। गायें बहुत है जी, अच्छा, गाय 15 15 16 गायें हैं इस टाइम, ये बच्चियां भी 10 खड़ी हुई है, बच्चिया है जी 6 7। जैसा था हाँ जी, तो ये गाय 20 लीटर दूध दे देगी ये गाय 20 लीटर दूध पहली। देगी, दूसरी में आता है, दूसरे में आता जी। पहले में कितना दिया? ऐसा है जी, पहले का कुछ नहीं पता क्या दिया क्या ना दिया, भाई इतना पता है कि गाय शांत है, शरीफ है, जो इसकी अडर की पोजीशन है, इसके थनों की बनावट है, जो इसकी कदकाठी है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 20 लीटर दूध बड़े आराम से देगी, दे देगी। बिल्कुल क्या आराम से, दाम होगा इसका? 1,05,000 रुपये जी। 1,05,000। हाँ जी, इसका जो रंग है, इसका स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है, कितना समय है देने? लेगी 2 4 दिन ले लेगी बस, अगर यहाँ तुम्हारे मिल्किंग करवा के भी दे सकते हो मिल्किंग करा। ऐसा है जी, फिर जित रेट बढ़ा दोगे? नहीं, रेट बढ़ाने का कोई वो नहीं है, हाँ जितनी गाय हमारे पास ब्याई हुई है, अगर कोई भी भाई लेने आता है अपना, 2 टाइम मिल्किंग करे, 4 टाइम मिल्किंग करे, यहाँ यहीं से पे यहीं पे, यहाँ से जाने के बाद हमारा कोई कोई जुम्मेवारी मतलब नहीं, नहीं है, कोई जुम्मेवारी नहीं है, यहाँ चाहे 4 बार करे। यहाँ चाहे 10 बार करे जी, रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर है यहीं पे। हाँ अच्छा, जी, तो कैसे ढूंढ लेते हो तुम इतनी अच्छी गाय? तो और तो बस क्या करना जी, काम तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा जी। वो एक हमसे सज्जन बोल रहे थे कि जी आप जो है गलत लोगों को प्रमोट करते हो। हाँ मैंने कहा प्रमोट कहीं किसी को किया जाता है? ठीक है हम तो जी, प्रमोट को दिखाते हैं कि खुद ही वो आसमान पे चढ़ा बैठा है। हाँ, तो कहते हैं वो भाग गया वो भाग गया। तो मैंने कहा अगर आप अच्छे हो तो आप प्रमोट हो जाओ, उसमें क्या है? नहीं मैं इसमें दूसरे की टांग खींचने में जाए, खुद को उठा लो। नहीं, खुद ना भी उठा लो जी, फिर थोड़ा सा इसमें पता क्या बात है, मैं आपको भी बोल लूंगा और उसको भी बोल लूंगा, जो वो था मेरे को नहीं पता, चलो कौन था कौन नहीं था, थोड़ा सा आप भी वीडियो बनाने से पहले उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड आसपास से पूछ लिया करो। तो छोड़ देते हैं ना फिर, वो तो मेरे को पता तो है, आप फिर छोड़ लोगों को देते पता हैं। चल जाता है अभी छोड़ा क्यों हुआ। अब बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी तो एक बढ़िया है। बिल्कुल ठीक है जी, बात। तो राकेश, हाँ जी अब ये जो दिखा रहे हो हाँ जी अब दूसरे पे आ गई, हाँ जी, तो ये उससे भी बढ़िया लग रही है। ये पहली बार की 4 दांत बची है जी, हाँ, और 10 12 दिन ले लेगी ये ब्याने में, अभी स्वेलिंग आ गई है इसमें, ऑर्डर पे तो ऑर्डर पे बाई ये तो बाई बहुत बोल देते हैं हम। थन तो हाथ में नहीं आएगी, नहीं, ये स्वेलिंग है, स्वेलिंग हटने से थन बिल्कुल ओके है इसके, पहली पहली बार की है। बार की 4 दांत है। अच्छा, कितना दे देगी ये? ये दूध दे देगी जी पहली बार में 13 14 लीटर बड़े आराम से। हाँ 13-14 लीटर। जी, तो इसका फिर दाम क्या होगा? इसका दाम रखेंगे जी हम 75,000 रुपये। तो ये भी गिर की क्रॉस है? ना ना ना, हाँ साहिवाल जी प्योर। अच्छा, तो साहीवाल और गिर में अंतर क्या होता है? साहिवाल गिर अपनी जगह है जी, साहिवाल अपनी जगह है, अच्छा, साहिवाल जो है लंबे समय तक दूध देती है, शांत स्वभाव की गाय है, गिर थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा इतना लंबे समय तक दूध नहीं देती। तो कुछ उसके फीचर की पहचान होती है? पिक्चर की पहचान, उसका माथा उभरा हुआ होता है, कान नीचे को होते हैं, सींग थोड़े टेढ़े होते हैं, पीछे घूमे हुए, हाँ अच्छा, ये सारी चीजें होती है। तो इसका क्या दाम होगा फिर? इसका दाम 75,000 रुपये। 75,000। हाँ जी, दूध दूध कितना बताया? 13 14 लीटर दूध दे तेरह देगी। चौदह लीटर दे हाँ देगी, जी, 10 लीटर पक्का मान ले। क्यों जी अच्छा, 75 लीटर ना, तो 13 14 लीटर 1,300 लीटर बड़े आराम दे। से। हाँ अच्छा, ले जा भाई, तो कब कितना समय है इसका? इसका समय है जी लगभग लगभग 10 दिन। 10 दिन। हाँ जी, ये तीसरे नंबर पर आ तीसरा गया। नंबर पे है जी, स्वर्ण कपीला, कीमत कितने की है? 95,000 रुपये। वो बिल्कुल सुनहरे रंग के हैं, हाँ स्वर्ण कपीला है जी, नीचे बछड़ा, तो चौदह और लीटर दूध तैयार है। हाँ बछड़ा नीचे 4 लीटर तैयार है। 14 लीटर तो दूध तैयार है इसकी बॉडी में, उनकी बॉडी में चमक में बहुत अंतर है, भैया, थोड़ा सुनहरे रंग में है जी। तो वैसे ही चमकदार है। हाँ पशु ऐसे है जी, गायें जितनी दिखाऊंगा सारी एक से एक दिखाऊंगा, पूंछ के बाल ले लो, पैर ले लो, इसके सिंगों के निशान ले लो, तो ओठ ले लो, सारे सुनहरे इसकी हैं। ब्याह तो ज्यादा लग रही है। ना ना, 4 दांत है, मुंह खोल के दिखा देता अच्छा, हूँ। 4 दांत है, हाँ पहली बार ब्याह? पहली बार भी आई है, ब्याई अच्छा, हुई है, तो उनकी इनकी मतलब बनावट में थोड़ा फर्क है। बस थोड़ा सा देखो बॉडी स्ट्रक्चर, तो अब आदमी का भी कोई मोटा कोई पतला है तो हो ही जाता है, तो क्या दाम हुआ इसका? इसका 95,000 रुपये। 95,000। हाँ जी, कम कर दो। कर लेंगे जी, मान सम्मान तो करेंगे, अभी टाइम देख लो 12 बजे हैं, हाँ, इस टाइम ऑर्डर देख लो और ऑर्डर शाम को पूरा आ देखना, गया। हाँ, तो ये बछड़ा दिया हुआ है, बछड़ा दिया कितना हुआ जी, देती है? दूध देती है जी इस टाइम 14 लीटर, मिल्किंग करवा कितने की दे दोगे? मिल्किंग करा के दे देंगे जी 90,000 की दे देंगे। 75 की, ना जी ना, मारोगे क्या, 80 की, खरीद भी नहीं है, 85 की। हाँ, 90,000 की। 90,000, हाँ जी, 85 की दे दो।
ना 90 की दे देंगे, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, चलो भाई गाय बहुत बढ़िया है, हमारे मन को लगी है इसलिए हम कह रहे हैं, बाकी तो अब आप कैसा समझते हो देखना, इतनी सुंदर गाय जल्दी जल्दी कैमरे के आगे आती नहीं है। ये अगली आ गई दादी माँ। दादी माँ? हाँ, कौन सी ब्यात है? आंटी आई अभी तो। कौन सी माँ, कौन सी ब्यात में? तो ये तीसरे ब्यात में। तो बहुत झालर नीचे तक जा रही है, जमीन तक भीड़ है जी अभी, मसल है उन सबसे ज्यादा इसमें मसल। पता क्या बात है जी, सब हाँ। अपनी जगह सही है। हाँ हाँ, इसकी गलकम्बल ज्यादा है, इसमें दूध भी 18 लीटर तैयार है। ये यही है बछड़ा है जी, इसका ही बछड़ा है। बछड़ा है नहीं, दिखाई तो सर बछिया दी हुई है। नहीं, बछिया भी है, बछड़े भी हैं। अच्छा, 18 लीटर दे देंगे। 18 लीटर तैयार है जी, 18 लीटर। कौन सी ब्यात है ये? तीसरा ब्यात है। तो इसका जो वो जो हम्प है और वो ऑर्डर है, तो बाकी जो असली साहिवाल मुकाबले वाली होती है बिल्कुल वैसे है। बहुत बढ़िया गाय है जी, कितने की? जो भी लेके जाएगा याद ही रखे। दाम? दाम इसके भी 95,000 रुपये। 95 में दे दो? हाँ जी। 90 में दे दो? 90 में दे देंगे जी। 85 में दे दो? नहीं जी, नहीं 85 में दे दो? नहीं देंगे जी। 86,000? नहीं देंगे जी। अब कर लोगे मौके? कोई नहीं, मान सम्मान तो करेंगे जी। 85-86 में हो जाएगी? कर लेंगे, चलो जैसा भी होगा। तो जब अच्छी गाय पास से जाती है तो कुछ मन नहीं करता जी, रख लो? अच्छा जी, मन तो ये है, अच्छी गाय पास से जाती है ना, जिस रेट में हम दे देते हैं उस रेट में दोबारा हमको मिलती नहीं है। जो सरकार जो है ना, हाँ जी, वो प्रमोट करने के लिए किसानों को जो वो उसका जो फोटो लगाती है ना, हाँ जी, बड़ा बड़ा करके, हाँ जी, तो ये ऐसी गाय की लगाती है, हमने देखा। ठीक है जी, बात बिल्कुल उसी उसकी जैसी है, कलर का फर्क है। बिल्कुल जी, हाँ जी। ये भी ब्याह हुई ना? हाँ, इसका 1 महीना बाकी है। 1 महीना? हाँ जी। तो ब्यात कौन सी इसकी? तीसरा। तीसरे में? हाँ जी। कितना दूध? 18-19 लीटर दूध की गाय है जी। दूसरे में? बिल्कुल है? बिल्कुल। तो नीचे मुंह करके बोल रहे हो, कुछ दाल में काला है क्या? नीचे मुंह करके कहाँ बोल रहे हूँ जी। हाँ, कमाल कर दिया जी। गाय की तरफ 18-19 लीटर दूध की गाय है जी, 1 महीना बाकी है। कीमत 1,05,000 रुपए। बॉडी वेट, हाइट, लेंथ, आप सारी चीज देख रहे हो। 90,000 की दे दो? नहीं देंगे जी। 90 की नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे। 99 में दे दो ना जी। 1,01,000 रुपए पूरा सगन सा है बस, ऐसी। अगर कोई 95 आगे हाथ रख देगा? नहीं, ऐसे रख देगा, वापिस दे देंगे जी। नहीं मानोगे? नहीं ना जी, ना। 96 मान जाओगे? नहीं जी, 1,01,000 रुपए बस। तुमने कम से कम 4-5 हजार गाय तो मैंने तुम्हारी दिखा चुका हूँ मैं, बड़े आराम से जी। है? बड़े आराम से। तो ये सब इसीलिए मोटे हो गए? मोटे कहाँ, ये तो चलता रहा जी थोड़ा बहुत। पता क्या चक्कर है जी, गायें खरीदने जावा ना अंदर बार, थोड़ा लेट सवेर हो जाए, दो मंत्री खाना पीना बार हो जा। साहिवाल को अधिक उसका बेचने के लिए, हाँ जी, दूसरों के घरों में खूंटों पर साहिवाल को बांधने के लिए, हाँ जी, तो पहुंचाने के लिए तुमको 2 बार सम्मानित किया गया। बिल्कुल जी। एक बार किया भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री थे हिमाचल में, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बार कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे। सब आपकी कृपा है जी, हमारी संस्था ने भी आपको सम्मानित किया। बिल्कुल किया जी, सब आपकी कृपा जी। अच्छा काम किया है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। सड़ने वाले सड़ते रहे, लेकिन पहले कोई इतनी गाय बेच के दिखाई नहीं। पता क्या बात है जी, सड़ने वाले वाली तो ऐसी है जी बात, देखो सारे पशु हमारे पास भी अच्छे नहीं होंगे, नहीं आंदे गलत, हम भी खरीद कर जावा जी। एक चीज हर रोज खरीदेंगे, कोई ना कोई गलत पशु भी आ जाए, सारी चीजें, कोई सड़ेगा भी, कोई ये भी सोचेगा इसका काम चल रहा, कोई ये सोचेगा ये गलत पशु बेचा, कोई ये भी ऐसा है जी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हमारे साथ। अगर कोई नेगेटिव सोचने वाला है ना हमारे लिए, तो हमारे लिए पॉजिटिव सोचने वाले भी हैं। ये तो कुदरती, हर आदमी हर आदमी के लिए अच्छा नहीं होता, हर आदमी हर आदमी के लिए बुरा नहीं होता, कुदरती सत्य है ना। बाकी आप जिस जो काम चलता है उसकी लाइन वाले सड़ेंगे। जो भी कोई जो कुछ कर रहा है जी, ठीक है, अपना परमात्मा की कृपा था आपके साथ, बढ़िया काम चल रहा है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।